बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज मवेशी मंडी एक और स्पेशल प्रोग्राम, क्योंकि ईद में बहुत कम वक्त रह गया है और ऐसे में जो हमारे व्यापारी हैं उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों की कीमत मिल जाए, जबकि जो हमारे ख़रीदार हैं उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि उनको मुनासिब कीमत में जानवर मिल जाए। आज मंडी में क्या सूरत हाल है, कीमतों में कितनी तेज़ी है, कितने खूबसूरत जानवर अभी भी मंडी में मौजूद है, व्यापारी क्या कहते हैं, ख़रीदार क्या कहते हैं, ये सारी सूरत हाल आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाने वाले हैं। इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और इसके साथ साथ SOPs, कोरोना जिसकी चौथी लहर का आगाज़ हो चुका है, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मंडी में कहीं दूर दूर तक SOPs नज़र नहीं आ रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जी, ये माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है, इसको सजाया भी गया है और इनके मिजाज भी कुछ ठीक ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि हमारे शहरियों की कोशिश होती है कि ऐसे जानवर ख़रीदे जाएं जो कि इंसान दोस्त हों, तंग ना करें और बच्चों के दोस्त बन जाएं, और मंडी में ज़्यादातर जानवर ऐसे ही ट्रेंड करके लाए जाते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जो यहाँ पर हमारे व्यापारी हैं उनसे बात करते हैं कि इनकी क्या कीमतें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइए कि जानवर तो बड़ा खूबसूरत है, कीमत कितनी प्यारी है? 10.5 साढ़े 10 लाख रुपया, कुछ ज्यादा महंगा नहीं? नहीं, इसको देसी घ्यो खिलाया हुआ, अच्छा। दाना खिलाया, आटा खिलाया, अच्छा। इसकी तो कीमत जो ली सी 6.5 का लिया सी, अच्छा। अब 10 का बेचेंगे? कितने रोज हो गए आप यहाँ से आए? सानू महीना हो गया। महीना हो गया है और अभी ये नहीं बिका? नहीं हाले। फाइनल कीमत खरीदार क्या लगा के जाता है? 5.5-6। और आपकी फाइनल फुल फाइनल कितनी है? अही दे 7 बेच दे। 7 का बेच देंगे, 10 मांग के? तो इतना ज्यादा मांगी क्यों रहे हैं? तो देंदे ही कौन नहीं, लाहौरी है कोई शायद, हाँ। वो फ्री मिल जाए बस। आप लाहौर में क्या सोच के आए थे कि बहुत महंगे जानवर बेचूंगा? अरे बाबा महंगा होएगा माल, नहीं तो कराची निकल जाते, अच्छा। सानू तो कराची तो भी रख लेना लाहौरिया, अच्छा। आए कहाँ से आप? शोहबसर से, अच्छा। हर साल लेकर आते जानवर? इस साल महंगाई कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खरीदार तो सर पकड़े बैठे हैं कि रेट ही बहुत मिल रहा है। कोई रेट मिला हो सारी मंडी वेली ना हो जाए, अच्छा। और भी खूबसूरत जानवर है, इनकी क्या कीमतें हैं? इसकी 6.5 और 7 वाले ब्लैक की? उसकी 7.5। 6.5-7.5, कोई 1-1.5 लाख का जानवर नहीं है आपके पास? आपसे नहीं है, हमारे पास नहीं है, अच्छा। और जो खरीदार आते हैं पूछते हैं कि इतने का जानवर चाहिए? 1-1.5 लाख का जी, लेकिन वो इनके पास नहीं है। ये लीजिए जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, कुछ मजीद लोगों से हम बात करेंगे। नाज़रीन, एक और हम यहाँ पर मौजूद है और कहा जा सकता है कि इनके पास भी खूबसूरत जानवर हैं। आप ये देख लीजिए कि रंग भी खूबसूरत है, नहला दुहला दुला के उनको जो है वो तैयार किया गया है कुर्बानी का, लेकिन इनकी कीमतें कितने खूबसूरत हैं ये भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये कोई खास नस्ल के बैल है? ये प्योर साहिवाल, ठीक है। ये साहिवाल ब्राह्मण क्रॉस है, अच्छा। ये साहिवाल नस्ल का है जो कि बहुत खास नस्ल होती है, है कितने का? ये 9.5 लाख। 9.5 लाख का, ज्यादा महंगा नहीं? नहीं, बहुत जानवर भी तो है, भी है और, अच्छा। कितना वेट होगा इसका? ये 9.5 लाख है इसका रेट मान। वजन कितना होगा इसका? वजन इसका 30 मन है। 30 मन होगा। और इनकी क्या कीमत है? उनका 11.5 लाख मांग रहे हैं, ब्राह्मण क्रॉस है, अच्छा। इसका वजन 35 मन तकरीबन, 40 मन। और इसके कद काट की कीमत है? इसका वजन भी आई है ना, और नस्ल ब्राह्मण क्रॉस है, अच्छा। और आजकल मंडी में तेजी है या फिर नहीं तेजी? मंडी नॉर्मल रेट पे चल रही है, हाँ। कहाँ कितने आ रहे हैं खरीदार, कितने आ रहे हैं? ग्राहक आ रहे हैं तकरीबन, वो अच्छे ही आ रहे हैं ग्राहक जी, ठीक है। कितने जानवर लेके आए थे, कितने बिक गए अभी तक? तकरीबन 350 जानवर लेके आए थे, अच्छा माशाल्लाह। अब तकरीबन 35-40 रहे, अच्छा माशाल्लाह। सारे बेच लिए। और सबसे महंगा जानवर कितने का बेचा, सबसे सस्ता कितने का बेचा?
सबसे सस्ता तकरीबन 1.5 लाख में बेचा। ठीक है। सबसे ज्यादा जो है वो 5.5 लाख का बेचा। अच्छा, और इनकी कीमत फाइनल क्या हो जाएगी? इनकी कीमत फाइनल है 15.5 लाख दोनों की। दोनों की जोड़ी बेचेंगे? जोड़ी को ले जाएगा, जोड़ी देंगे, जो एक लेगा कोई एक भी देगा। एक। अच्छा, मंडी में इंतजाम आपके लिए कैसे हैं? इंतजाम मंडी में बहुत अच्छा है। अच्छा। बिजली फ्री, पानी फ्री मिल रहा है। हाँ। जानवरों के लिए डॉक्टर, इलाज मालजे के लिए बहुत अच्छा इंतजाम। सर आप कहाँ से आए? हम जिला शेखपुरा फरोज वटवा से आए हैं। हर साल आते हैं लाहौर में? हर साल आते हैं। हमारे खरीदार परेशान है कि आपने कीमतें बहुत बढ़ा दी जानवरों की। खरीदार को पिछली दफा हम तब्दीली का असल च दौर आ गया ना जी। अगे जेड़ा वो तकरीबन 500 तो किलो गोश्त था, अब 750 में गोश्त है। महंगाई तो हुई ना, और ये जानवर भी महंगे इस तरह, इसलिए अगर नहीं बिकेंगे वापिस जाएंगे इंशाल्लाह। ये इनका रेट आ रहा है अभी तकरीबन, हो सकता है अभी बिक जाए। अच्छा। हाँ जी। ईद तक यही रहेंगे या ईद से पहले चले जाएंगे? नहीं जी, आज दी रात असी जानवर बेच के चले जाना इंशाल्लाह। कोशिश है कि सारे बिक जाए। बिक जाए। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि इसका कद काठ जानवर का अच्छा खासा है, क्या होगा इसकी हाइट? हाइट इसकी तकरीबन 7.5 फुट है। अच्छा जी, 7.5 फीट हाइट है। और कीमत क्या बताई आपने? इसकी कीमत 9.5 लाख बताई थी। हाँ। फाइनल कितने का होगा? फाइनल 7.5 लाख। चलिए जी, 7.5 फीट हाइट है, 9.5 लाख रुपए कीमत मांगी जा रही है, लेकिन ये भाई साहब बता रहे हैं कि 7.5 लाख रुपए का फाइनल ये बेच दिया जाएगा। तकरीबन 350 के करीब ये जानवर यहाँ पर लेकर आए थे बता रहे हैं, और अब 35-40 जानवर बाकी हैं, बाकी सारे के सारे इनके जानवर बिक गए हैं। इस साइड पे देखिए कि यहाँ पर छोटे जानवर भी हैं, यानी जो बैल हैं मुनासिब कीमत पे भी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ कस्टमर्स भी हमें, खरीदार भी नजर आ रहे हैं, वहाँ चलते हैं उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर है, चाहे वो ऊँट है, चाहे वो बैल है, चाहे वो बकरे हैं, हर तरह का जानवर आपको मंडी में नजर आएगा। आप ये देखिए कि क्या बात है, क्या खूबसूरत ये जानवर हैं। और एक है जी वाइट, थोड़ा सा ग्रे है साथ में, और एक है जी पूरे का पूरा ब्लैक, और दोनों ही एक से बढ़के एक हाइट है, एक से बढ़के एक ये खूबसूरत है। और बाकी इनके मालिकान ने इन पर ये हार पहनाकर, इनके ये सर पे ताज लगाकर इनको मजीद खूबसूरत बना दिया है। इनकी कीमतों के बारे में बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कौन सी नस्ल? ये सिब्बी नस्ल है। सिब्बी नस्ल है, कितनी महंगी होती है? हाँ जी। कितना महंगा जानवर होता है ये? महंगा जानवर बस बराबर जा रेट ही है साढ़े को। कितने का है ये? इसका 8.5 लाख रुपए मांग रहे। ये बराबर रेट है, बड़ा जानवर है ना, तो मेहनत की है इसके। क्या खाता है ये? ये दूध पिलाया, घी खिलाया इसको, पट्टा चारा मरा खिलाया है। इंसानों को दूध घी नहीं मिल रहा, आप जानवरों को खिला रहे हैं? मेहनत की है, इसको खिलाया, बहुत मेहनत की, मेहनत करनी इसलिए मिल रहा। फाइनल इसका क्या कीमत हो जाएगी? इसका 6.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। 4 लाख मुनासिब नहीं है? नहीं नहीं, 4 लाख नहीं मुनासिब है। कस्टमर कितनी कीमत लगा के गया अभी तक? इसका 5 लाख रुपए लेगा। आपने नहीं दिया? नहीं दिया। बेच देते? नहीं बेच, मजदूरी नहीं हो रही, मेहनत नहीं पूरी हो रही। इसकी क्या कीमत है? इसका 6.5 लाख रुपए जी। और फाइनल? फाइनल इसका 5 लाख रुपए। फाइनल इसका 5 लाख रुपया है जी, और इसकी कीमत जो है वो भी ज्यादा है, लेकिन जानवर आप ये देख लीजिए कि अच्छा खासा खूबसूरत जानवर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर मंडी कितनी तेज? मंडी ठीक है, बस माल मोल बिक रहा है। अच्छा। जी। कहाँ से आए आप? रहीम यार खान से। रहीम यार खान से कितने जानवर लाए थे? 20 जानवर। 20 जानवर सारे ऐसे ही तगड़े? 4 जानवर बचे हैं, बाकी बेच दिए। 4 बचे हैं बाकी। सबसे महंगा कितने का बेचा? 8 लाख का जानवर बेचा है बस। 8 लाख का बेचा, और सस्ता कितने का बेचा? सस्ता 2 लाख का, 1.5 लाख का। अच्छा ठीक है। अभी कितने दिन यहाँ पर है? ईद भी यही होगी इंशाल्लाह, इधर करेंगे, नियत ही है। अच्छा जी। ईद वाले दिन भी कस्टमर्स आ जाते हैं? जी आते हैं इधर। अच्छा, मंडी में कैसे इंतजाम है जी? मंडी में इंतजाम कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, सब मिल रहा है, ठीक है। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क बस पड़ा है इधर, चारा मरा डाल रहे हैं, आप उधर आ गए फिर टेस्ट पर नहीं। कोरोना बहुत फैला हुआ है। ठीक है, पहन लवांगे जी, पहन लेंगे, लेकिन पूरी मंडी में कहीं भी आपको मास्क दिखाई नहीं दे रहा। SOPs अपनाए नहीं जा रहे मंडी में, ना व्यापारियों की जानिब से और ना ही खरीदारों की जानिब से। आगे चलते हैं नाज़रीन, यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है और यहाँ पर जो है वो कुछ रेट बार्गेनिंग चल रही है, और बार्गेनिंग किस बेड़े की है, बकरे की है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? खरीद आप खरीदार हैं या व्यापारी हैं, पहले ये बताइए। मेरे पास पैसे हैं, मैं व्यापारी हूँ। आपको खरीदार लग रहा हूँ? आप खरीदार लग रहे हैं मुझे। खरीदार के पास पैसे होंगे तो व्यापारी के पास जाएंगे। जी 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 जी, हम व्यापारी हैं। नहीं शुक्रिया भाई साहब, मुझे ये बताइए जानवर कितने महंगे बेच रहे? जानवर हमने जो जानवर है वो तो महंगे का लोग रेट ही नहीं लगा रहे, महंगे क्या बेच रहे हैं? आप तो दिल खोल के रेट लगा रहे हैं। हम तो मांग दिल खोल के रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, रेट नहीं आ रहा जानवर का। ऐसे रेट मांग रहे हैं कि बस ग्राहक सुने और सरपट भाग जाए। नहीं नहीं कोई भी नहीं भागा भाई साहब, ऐसा ही है। इस दफा रेट बहुत ज्यादा है। हाँ। इस दफा जो है पिछली बार से तकरीबन 1,00,000 ज्यादा है। आपने जानवर खरीद लिया? जी खरीद लिया हमने। दो लिया, 3,00,000 की। 3,00,000 के दो, कौन कौन सा जानवर? ये लिया, एक वो लिया। 3,00,000 मुनासिब मिल गए? मुनासिब मिल गए, मुनासिब मिल गए। ठीक है, ठीक मिल गए। मंडी कितनी तेज है इस बार? बहुत तेज है, बहुत तेज है। हाँ। जो डंगर 2,00,000 वाला है उसका 4,50,000, 4,00,000 मांग रहे हैं। अच्छा ये बात कर रहे हैं, रेट व्यापारी का मांगने का और होता है, जब को उससे दिल से मांगता है व्यापारी दे देता है उसे। भाई साहब मांगने का इतना के डबल ही मांग लो। हम अगर हम डबल मांगते हैं ना रेट, तो ऐसे मांगते हैं अगले दिन बत्ती फ्यूज हो जाती है, बत्ती टूट जाती है, रेट तो इन्हें मांगते ने। नहीं फिर भी इन्होंने अच्छा, बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो भी हो जाता है, रेट ही इन्हें मांग लेंगे। अगला अगला परेशान बेटा आप ही है, अगला परेशान हो जाता, मेनू आखा की सही गल ये तहमत ना वेखो इहदा। आप भी जानवर खरीदने आई है पसंद से? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अब्बा है? जी ये मेरे फादर हैं। वालिद साहब हैं? हर साल साथ ही आती? जी बिल्कुल हर साल। चेक कर लिया जानवर? हमने दूर से देखा है कि आप उसको घुमा फिर आगे जरा देख भी रही थी। जी बिल्कुल। चलता वलता ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। दांत पूरे? बिल्कुल पूरे हैं। कितने होने चाहिए थे? हम तो ऐसे मोस्टली दोंदा लेते हैं, लेकिन इस बार चोगा ले लिया है। अच्छा चोगा क्या होता है, दोंदा क्या होता है? तो इतना कोई खास फर्क नहीं होता। हाँ। क्यों, वो बस दो माह का ही फर्क होता है जानवर में, दोंदा चोगा, बस वो एक बनी हुई है जिसे कहते हैं, शुरू से बनती आ रही है वो चीज है। अच्छा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब कितनी महंगाई लग रही है आपको इस बार मंडी में? तो बहुत ज्यादा इस बार, ऐसे समझ ले कि 4-5 गुना ज्यादा रेट बता रहे हैं। अब्बा का तो बीपी हाई हो रहा था रेट सुन के। अम्मा का होता है, अब्बा का नहीं होता। इमरान खान आ गया, तब्दीली आ गई है। अब इमरान खान क्या करेगा इधर आके? इमरान खान ने रेट बढ़ाए हैं। अरे हुकूमत पे सब कुछ ये डाल देते हैं, हुकूमत क्या क्या कसूर में, हम उधर डालते हैं। हालांकि इस बार मंडी के बड़े अच्छे इंतजाम है, हमें लाइट फ्री दी गई है, हमें जगह को कोई पैसा वसूल नहीं किया। आप फिर भी महंगे जानवर बेच रहे हैं? इस बात का तल्लक मंडी इंतजामिया से नहीं है, जानवर महंगे से। अच्छा। जानवर महंगा इसलिए बेच रहे हैं कि पीछे से जानवर महंगा आ रहा है। अच्छा। जानवर की खुराक महंगी है, जानवर की परवरिश महंगी है। जो जानवर 3,000 में एक माह में खाता था, वो जानवर इस बार 5,000 खा रहा है। ठीक है, अम्मा कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीपी नॉर्मल हो गया आप? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल। अंदर खरीदे गए हैं? हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खरीदे गए, अल्लाह पाक भूल फरमाए। अच्छा माशाल्लाह सारी फैमिली, आप लोग हर साल ऐसे ही खरीदने आते हैं? जी बिल्कुल इसी तरह ही आते हैं। तो कोई पसंद होती है कि ये वाला बेड़ा लेना है या फिर ये वाला बकरा लेना है? पसंद ये होती है जो दिल को अच्छा लगे, जिसका चेहरा खूबसूरत हो, जिसकी वो जिल्द खूबसूरत हो, तो वो पसंद आ जाए तो वो। अच्छा आपा पिछले साल की निस्बत अभी कितने रेट ज्यादा? पिछले साल की निस्बत 50,000 ज्यादा दिया है। चलिए जी पकड़िए जी, ये तो आपके सुन ही नहीं रहा, ये सुनेगा ना घर, इसको ले जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सुनेगा। क्या बात है, इसकी घर जाके कैसे खिदमत होगी? इसको घर जाके खाना खिलाएंगे पहले। हाँ। फिर फ्रूट खिलाएंगे, देसी घी का पराठा बना के खिलाएंगे इसको। हर बार हम ऐसे खिलाते हैं। क्या इसकी यानी स्पेशल खिदमत होने वाली है अभी? बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि हम तो हफ्ता पहले मिल लेते हैं मोस्टली, लेकिन इस बार टाइम कम था
अबव फ्री नहीं थे तो इस वजह से हम एंड टाइम पे ले रहे हैं, लड़कियां हफ्ता पहले लेते हैं। लड़कियां तो डरता ही बहुत है जानवरों से। नहीं मुझे नहीं डर लगता, बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा इसको घर के अंदर बांधना बाहर निकालना सब जिम्मेदारी है मेरी, बाकी बहनें डरती हैं लेकिन मैं नहीं डरती। अच्छा हाँ जी, ये कुछ भी नहीं कहते, ये तो बहुत शरीफ से जानवर है। अच्छा। कुछ भी नहीं कहते, इनको प्यार करें ये प्यार ही रख करते हैं, लेकिन मुझे ये नाराज लग रहा है कुछ। नहीं वो डर रहा है बस जी। अच्छा कौन से इलाके से? लाहौर से। हम इकबाल टाउन से। इकबाल टाउन से जी। अच्छा दो बैल ही लेने हैं या कोई और जानवर भी? हम भेड़ा भी लेते हैं और बकरे भी करते हैं। अब दो बैल ले लिए, अब दो बकरे लेंगे। अच्छा बकरे पसंद आ गए हैं क्या? भी मतलब देख रहे हैं लेकिन अभी पसंद नहीं आए। अच्छा उनका रेट नहीं बन रहा अभी। बकरे पसंद नहीं आए या कीमत पसंद नहीं आई? कीमत नहीं पसंद आ रही, रेट नहीं बन रहा। बकरे तो बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं। बकरे तो जी पसंद आ गए हैं लेकिन कीमत इतनी ज्यादा है कि हमारे जो ग्राहक है हमारे जो खरीदार है वो परेशान है। इसका क्या रेट मिला? ये हमने जोड़ी लिया है 3 लाख की। तकरीबन डेढ़ डेढ़ का जी? बिल्कुल ऐसा ही है, दे दी है। ये बेटी समय के दे दी है इन्हें। 1.5 लाख तो मुनासिब है कीमत, जानवर अच्छा है। ये मेरा 2.5 लाख का बच्चा था, इन्होंने कहा बस दिए बहने आप हमारी, इसलिए दे दिया। क्या बात है जी। एक और खूबसूरत जानवर भाई साहब, कितने का ये? 3.5 लाख का। 3.5 का? ज्यादा कीमत नहीं कुछ? नहीं ज्यादा कीमत नहीं भाजी, ये तो कट मांग रहे सो कीमत, नहीं तो ये तो 4.5 लाख मांगते इसका। फाइनल कितने का बिकेगा? फाइनल ये 3 लाख का। लीजिए 4.5 लाख कीमत है, फाइनल 3 लाख का बिक जाएगा और सारी मंडी में यही सूरत हाल है। मैं वापिस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। जो मंडी में बड़े जानवर हैं उनकी तो कीमतें भी खासी बड़ी हैं, लेकिन जो मंडी में छोटे जानवर हैं जो बकरे हैं उनकी क्या कीमतें हैं? मंडी कितनी तेज़ है ये आपको दिखाते हैं। मुझे तो लग रहा है ये सारे के सारे जो बकरे हैं ये बात करना चाह रहे हैं कि ये स्पेशल हैं सारे। आप देखिए सफ़ेद रंग के हैं, खूबसूरत इनकी आँखें हैं और बिल्कुल चमक रहे हैं। वेट भी ज़्यादा है लेकिन इनकी कीमतें कितनी हैं? इनके जो यहाँ पर व्यापारी मौजूद हैं इनसे बात कर लेते हैं। क्या हाल है सर? ठीक है जी। सर ये कितने कितने का जानवर बकरा? ये 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख का है। 1.5 लाख का एक बकरा या जोड़ी? एक बकरा। कुछ ज़्यादा महंगा नहीं? नहीं ये बकरे भी बड़े हैं ना। अच्छा। हाँ जी ये 3-3 मान के बकरे हैं। अच्छा। हाँ जी ये राजनपुरी बकरे। कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। खूबसूरत बकरे हैं ये, राजनपुर से आए हैं। हाँ जी। और अगर कोई जोड़ी लेगा तो मुनासिब हो जाएगी कीमत? हो जाएगी। मुनासिब हो जाएगी। हाँ जी। कितनी? वो ग्राहक पे डिपेंड करता है। 1 लाख का बकरा आपने कहा, फाइनल ग्राहक कितने लगा के जाता है? फाइनल ग्राहक 1.40 भी देता है, 1.20 भी कहता है, 1.30 भी कहता है। हाँ जी। और आप कितने में फाइनल करते हैं? हम जिस तरह हमें मुकूल होता है उस तरह हम कर लेते हैं। और ये कहाँ से लेके आए बकरे? राजनपुर से लेकर आए। राजनपुर के स्पेशल नस्ल के ये सफ़ेद बकरे हैं जी, और इसीलिए इनकी कीमतें भी खासी स्पेशल हैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। आप कहाँ से आए? हम आए हैं जिले कसूर से। जिला कसूर से। कितने बकरे लाए? 2। 2 लाए हैं। बिक गए? नहीं नहीं भी नहीं बिके। नहीं। 2 बकरे कितने के हैं? 3 लाख के। इतने महंगे कौन खरीदेगा? महंगाई है, पट्टे हैं। लोग तो 1.5 लाख का बड़ा जानवर बैल खरीद लेंगे। नहीं महंगाई बहुत है मैडम जी। ठीक है। इसने खाना पीना है, इधर रहने का खर्चा है। हाँ। और अखरा जाता है इतनी दूर से लेके आए। इंतजाम कैसे हैं मंडी में? इंतजाम मंडी नरमी जा रही है, नरम। हाँ जी। लेकिन ग्राहक तो कह रहे हैं कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, वो खर्चे भी तो हैं ना इसमें। खर्चे हैं जी, और इसीलिए इनकी कीमतें भी ज़्यादा हैं। और ये है कहानी जो कि हमें व्यापारी सुना रहे हैं। अब कैटल मार्केट के इंतज़ामिया तर्जुमान क्या कहते हैं
उनसे भी हम बात करते हैं। आइए नसरीन, पंजाब कैटल कंपनी के तर्जुमान शेख असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस बार मंडी में कितनी तेजी है, क्योंकि महंगाई तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। जी बिल्कुल, जो लास्ट टाइम बड़ा जानवर था 70 से 80 हज़ार का, वो मैं देख रहा हूँ 1,10,000 1,25,000 में फरोख्त हो रहा है, और जो बकरा यहाँ पे 30 से 35 हज़ार का था वो 60 से 70 हज़ार रुपये, और जो डिमांड कह रहे हैं वो लाख तक की कह रहे हैं, तो जो सेल हो रहा है वो 60-70 हज़ार। डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जी बहुत ज़्यादा, व्यापारियों का कहना है कि हमें जो जानवर पीछे से बड़ा महंगा मिल रहा है, इस वजह से हमारे जो ट्रांसपोर्ट के खर्चे हैं वो उसमें भी महंगाई आई है, जिसकी वजह से हमें ये कॉस्ट पड़ रही है। अच्छा असद साहब, ये बताइए कि बाहर से मंडी में जानवर लाने का बताया जा रहा है जी 500 रुपये 1,000 रुपया लिया जा रहा है, फिर यहाँ से जब जानवर दोबारा से बाहर लेके जाएगा उसके अलग कीमत है, ये इतने सारे चक्करों में क्यों आवाम को डाला हुआ? नहीं, ये चूंकि पंजाब भर की मंडियों में टेंडर हुए हैं इसके एंट्री फीस के और पार्किंग फीस के, जो बड़ा जानवर है वो 500 रुपये है और जो छोटा जानवर है 100 रुपये। अगर आप देखें कि अगर 70,000 या 1,00,000 का जानवर है उस पर हुकूमत को ये 500 रुपया दे रहे हैं और उसके बदले में हम इनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, ठीक, और अगर छोटा जानवर है वो 30 से 35 हज़ार 60 हज़ार का है, वो 100 रुपये हम उनसे वसूल कर रहे हैं। तो ये जो बाकी है कि बाहर जो जा रहे हैं उसमें पराली के रेट हैं वो ऑलरेडी चल रहे थे मार्केट में, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ की जो मंडी है शाहपुर की, वो जो टेंडर हुआ वो 80 करोड़ 1,00,000 रुपये में। तकरीबन कितने जानवर होंगे जो इस साल इस मंडी में लाए गए? अच्छा, जो हमारा अंदाजा है वो तकरीबन जो बड़ा जानवर है वो 8 से 9 हज़ार है और जो छोटा जानवर है वो यहाँ पे इस वक्त 20 से 21 हज़ार तक है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कोरोना SOPs पूरी मंडी में मैं ढूंढ कर थक गई, मुझे नजर नहीं आए कहीं भी। अच्छा, इस तरह की हमारी एंट्री पॉइंट पे तो लोग कर रहे हैं, जो सैनिटाइज भी कर रहे हैं, ऐलानात भी कर रहे हैं और मास्क भी पहना रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे शहरी भी मास्क की जो है वो नहीं पहन रहे, वो जब थोड़ा सा मंडी में फिरते हैं उनको गर्मी लगती है वो उतार देते हैं, और व्यापारियों को हम बारह कह रहे हैं, हमने वारे भी इनके बंद किए हैं, दुकानें जो यहाँ पे खोके हैं उनके भी, जिन्होंने वायलेशन की SOPs के वाले से, हमने उनके भी खोके बंद। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद साहब। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनके खिलाफ, व्यापारियों खरीदारों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन मास्क पहनना मेरी और आपकी इनफरादी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें खुद को कोरोना से बचाना है। यहाँ पर बकरों की, बड़े जानवर बैल की क्या सूरत हाल है हमने आपको दिखा दी है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे तो खूबसूरत ऊंट आपको दिखाएंगे और उनकी कीमतें भी बताएंगे। वापस आ रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में एक ऐसे प्लॉट में हम मौजूद हैं जहां पर बड़ी तादाद में ऊंट हैं और ये पाकिस्तान के दूर दराज सहराई इलाकों से यहां पर लाए गए हैं। व्यापारी भी यहां पर मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है, कस्टमर्स के रेट बन रहे हैं नहीं बन रहे, नहीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये क्या नाम है इन साहब का? बादल। बादल, और बादल का नाम उसके गले पे लिखा भी है। कैमरामैन भाई मौला बख्श इस साइड पे आइए और ये बादल का नाम भी दिखाइए। उधर भी लिखा है, दूसरी साइड पे भी लिखा है जी, वो दिखा दीजिए। ये बादल कितने साल का है? ये 3 साल का है। 3 साल का है, और बादल की कीमत क्या है? इसका 5.5 लाख है। 5.5 लाख रुपया, इतना महंगा? हाँ इतना महंगा तो है, हम कितनी मेहनत करते हैं इसको, चराते हैं, खवाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इतना तो हमारा। आगे आ जाइए। आए कहाँ से आप? हम डेरा इस्माइल खान से आए हैं। डेरा इस्माइल खान से आए हैं, कितने रोज हो गए? तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं। 8-10 दिन हो गए, ये 5.5 लाख का जानवर है, फाइनल क्या? फाइनल भी यही, बस 5 लाख का देंगे। और अगर नहीं बिका तो घर ले जाएंगे। मुनासिब नहीं करेंगे? नहीं यही मुनासिब है, हमने तो जो कितने ऊँट लेकर आए? करीबन कुछ 7-8 लेकर आए। 7-8 लेकर आए थे, कितने बिक गए? बस 3-4 बिक गए, 3-4 बाकी हैं। अच्छा, और सारे कोशिश है कि बिक जाएं? हाँ इंशाल्लाह कोशिश तो कर रहे हैं कि बिक जाएं। ठीक है जी, 5.5 लाख रुपए इस बादल की कीमत है। और ये सफेद कलर का ऊँट है, इसकी क्या खास बात है? ये पहाड़ के होते हैं, ये अच्छी चीज होती है, इनके छोटा बकरे की तरह इसका गोश्त होता है। अच्छा। हाँ। लोग क्या ब्राउन कलर का ज्यादा ऊँट लेते हैं या सफेद रंग का? वो हर बंदे की अपनी पसंद होती है, किसी को ब्राउन पसंद है, किसी को सफेद पसंद है। अच्छा, और ये सफेद वाले की क्या कीमत है? इसका है 2.5 लाख।
ढाई लाख रुपया, ये छोटा इसलिए सस्ता है। जी जी, इसलिए सस्ता है। ठीक है जी। नाज़रीन, ये कीमतें जो ये लोग बता रहे हैं, यकीनी तौर पर एक बार तो खरीदार कीमत जब सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसका बीपी हाई हो जाता है, कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन सजाया भी इन्होंने खूब है इन जानवरों को, और इसके साथ साथ इन पे मेहनत भी खूब है। कई रोज़ से ये डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान से आकर यहाँ पर ये कैंप्स लगा के बैठे हैं ताकि लाहौर शहर से ज़्यादा कमाई हो और अच्छे जानवर बेचकर ज़्यादा सारी कमाई करके ये वापस अपने इलाकों को जाएं। और ये हर साल बकरा ईद का इंतज़ार करते हैं, और ये बकरा ईद होती है जब ये इनका एक बहुत बड़ा जो है वो अर्निंग सोर्स भी होता है। नाज़रीन, आप ये देखिए कि इन ऊँटों को इतनी प्यार मोहब्बत से पाला जाता है कि व्यापारियों ने इनके स्पेशल नाम भी रखे हैं, और मुझे ज़्यादातर जो ऊँट हैं उनके नाम गले पर बादल लिखा नज़र आ रहा है। ये देखिए, इसका नाम भी बादल है, और एक सामने है उसका नाम भी बादल है। ये देखिए, इस पर भी बादल लिखा है, फूल भी बनाए हैं, बादल को मेहंदी भी लगाई है। नाज़रीन, एक और ऊंट, और इसका नाम है जी कलंदर। सबके ऊपर नाम भी लिखे हैं, और साथ ही साथ इनके मालिकान से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है सर? खैरियत, अल्लाह के नाम आपका शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये इनकी तैयारी, इनके ऊपर नाम, ये खास ईद के लिए लिख के लाए हैं आप? रोस्तम पंजाब, शेर पंजाब। अच्छा। हाँ जी, 7 लाख इसकी कीमत है। ठीक है, ये 7 लाख का है। हाँ, 7 लाख का है। तो और बताने इसका 3.5 लाख लेते हैं ना, वो तो 3.5 लाख बहुत है, 7 लाख वाला रेट नहीं है। वो फाइनल क्या है? फाइनल 6 लाख। 6 से कम नहीं मिलेगा? 6 से कम नहीं मिलेगा। इसका पता कहाँ? हाँ, अस्सलाम वालेकुम बाबा, कहाँ से आए जी? कहाँ से आए? ओ सर, देर में है। इस्माइल खान से। अच्छा, इतने महंगे जानवर क्यों खरीद रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? क्यों महंगे? पर उठाओ महंगे जानवर। अच्छा। महंगे मिलते हैं, उतना महंगा ही है। इमरान खान दिशा ही है, हर से महंगी है। चले जी, हर चीज महंगी हो गई है। और एक और यहाँ पर खान बुलबुल इनका नाम है, और ये एक छोटा सा बच्चा भी है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। बात करो, क्या कीमत है भाई? 2.5 लाख। इतने छोटे से ऊँट का 2.5 लाख? क्यों? ये ऊँट बकरे वाला गोश्त है। चलें जी, ये 2.5 लाख का ऊँट है जी, ये छोटा सा। और कस्टमर्स आते हैं, ऊँट के दांत चेक करते हैं, उसको चला के देखते हैं, उसके चाल देखते हैं, और फिर जब कीमत सुनते हैं तो फिर उनका रेट नहीं बनता और वो आगे चले जाते हैं। कुछ आगे चलते हैं, कस्टमर्स मजीद उनसे बात करते हैं। कितने लगा रही? मामला खराब कर रहे हैं कुर्बानी ईद की वजह से। ये लोग बहुत दूर से हैं, लेकिन इनके दिल बहुत सख्त है। आप भी इनको कुछ समझाएं। देखे अभी इसने 230 मांगा है, डिमांड किया हमने, 2 इसको ऑफर कर दी है। आपने 230 मांगा? 3.5 लाख मंगया है। 3 मांगा? तर मैं देना, खलो जा जरा, उन छाड़ दे रस्सी, छाड़ दे मिड़ी वाले मेरे पेने, छाड़ दे। नहीं नहीं, क्या आप जबरदस्ती ले जाएंगे? जबरदस्ती है, सुबह से हमें तंग कर रहा है ये, बहुत नहीं बारे में तो दे दूंगा, पर कभी 1.5 कह देता है, कभी 2 कह देता है। भाई साहब, मुनासिब कीमत लग गई तो फिर बेच दे। नहीं ना भाई, नहीं ना, नहीं। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? बारे आवे तो दे दूंगा, बारे नहीं आवे। कहाँ से आए? डीजी खान से। डीजी खान? डीजी खान से। तो टाइम से माल बेचे, घर जाए, ईद करे जाके। मैडम जी ने 2 लाख तो मैं क्या, तो 2 मुनासिब है भाई साहब, भेज दे, कुछ ख्याल करे। लाहौर क्या सोच के आए थे? तेरे गल का नहीं, गल के बहुत ज्यादा पैसे हैं लाहौरियों के पास, तो ये इनके रेट भी ना इसलिए बढ़ जाते हैं। ये बेचारा ऊँट भी परेशान है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं इधर जाऊँ या मैं उधर जाऊँ। हाँ जी, बाकी कुछ और पसंद आया? कुछ भी नहीं पसंद है, बस देख रहे हैं, जिस पे इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मोहर लगाई है वो जो हमारे नसीब में इंशाल्लाह मिलेगा। कीमतें कैसी हैं? कीमतें बहुत ज्यादा हैं, और कस्टमर आप देख रहे हैं कोई भी नहीं है। ठीक है। और ये वैसे ही इन्होंने वापस लेके जाने हैं, लेकिन बेचने नहीं है इधर। अच्छा। ये लोग ऐसे, इनके जेहन देख लें, इनके मामला देख लें, कि अभी 230 इसने मांगा, 2 दे रहे हैं और फिर भी नहीं ये दे रहा।
अच्छा, और कहीं से विजिट किया है कहीं और? मंडी विजिट की है, लेकिन हर जगह पे यही सिचुएशन है। मतलब इन सब ने मिलके रेट लगाए हैं? इनके मिलके रेट लगाए हुए, ये सब वापस लेके जाएंगे। इन्होंने अल्लाह की राह में नुकसान हो रहा है हमारे, क्यों दो ना जब हाँ ना नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो रहा है ना। लाहौर क्या सोच के आए थे, बहुत महंगा जानवर बेचेंगे, कारोबार करने का फायदा क्या, नुकसान भर के जाऊँ तो मुनासिब मुनाफा कमाइए ना। आखिर बोला है 2 लाख कितना की 45, उसका दिल कर दे था ले जावे, नहीं कर दे था छोड़ जावे, बस कुर्बानी की ईद है। 2-10 हो गया जी, वाह बढ़ गए पैसे, बस बढ़ गई उसकी 2-10 हो गया भाई साहब। नहीं नहीं मैं 2,45,000 हुआ, क्या बेच दें क्या करेंगे, रुपया नहीं 5,000 छोड़ी था जी, 40-50,000 रुपए का तावान है। और अगर नहीं बिकेगा वापस जाएगा? जाएगा जाएगा। क्या करेंगे इसका, बेच दें? नहीं बेचना, फिर खाएगा पूरा साल, फिर खाएगा आप पे बोझ पड़ेगा, बेचे आराम से। 40-50,000 तवान भरूँ? 40-50,000 तवान भरना है जी, नहीं भरना भैया खैर वापस ले जाएंगे। कितने जानवर लाए जी? कितने जानवर लाए? 2। तो कितने बेचे? एक खड़े जो हालात है लग रहा है कोई बिकेगा नहीं आकर, भाई बिक गया, कोई नहीं बेचा, झूठ बोल रहा है, इसके पास है दोनों ही, एक उधर खड़ा है कि ये लेके फिर रहा है। अच्छा। तो इसको इसने पैसे मांगे 2.35, इसको भाई साहब इस साल वैसे ईद में इतना ज्यादा महंगाई क्यों हो गई है एकदम? पता नहीं यकदम ही ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए या पता नहीं तब्दीली आ गई है, सही वाली तब्दीली तो अब आई है, असली तब्दीली जो ना वो अब आई है, लोगों को पता चला है अभी कीमतें यकदम कितनी बढ़ी है। ये जो जानवर थे अगर आप कहीं भी जाएं तो कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं, ये जो चीज आप खुद ही देख लें 2,10,000 जो है तो ये मुनासिब कीमत है, फिर भी नहीं दे रहे। ये मुझे लग रहा है जो ऊपर सजावट के लिए सामान लगाया उसकी कीमत भी बीच में लगा दी। ये ऐसे ही ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जी, सब कुछ महंगा हो गया ये भाई, हर चीज सारा महंगा मिलता है, महंगा मिलता है, उतार के बेच ले। हमारा हालात चेक करो, हालात सारा पूरा मुश्किल आते आए, इलाका करक इलाके से आ जाता है और बहुत तवान है भाई, यहाँ आके इतनी भी तबाही ना मचाए, इतनी भी महंगाई ना करें आप। ये देखो मुनासिब रेट से लगता है क्या, 2 लाख का ऊंट क्या कम है कीमत? 8 लाख के इमरान खान ही नहीं है, 8 लाख का, 8 लाख का अच्छा। 2 लाख को कम है, हुकूमत का क्या कसूर है भाई, महंगे ऊंट आप बेच रहे हैं बीच में हुकूमत को ला रहे हैं। मैं क्या कसूर है, मैं गरीब बंदा है, तो हुकूमत का क्या कसूर है, उनपे क्यों डाल रहे हैं? मैं लगाओ महंगा मिलता है, मैं से महंगा से वो होता है। अच्छा, ये घर में पाले थे या खरीद के लाए? खरीदता है क्वेटे बलोचिस्तान से, 2,40,000 रुपए से यू ऊन से लाता है बलोचिस्तान से, मिलता करक से 10-10,000 करिया से लाता है, लाहौर से 10-10,000 खर्चा है। कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए जी? कितने दिन हो गए यहाँ आए? 6 दिन। 6 दिन हो गए हैं, खर्चा भी हो रहा है, खाना पीना भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, चीज लेता है, तो फिर टाइम से बेचे और घर जाए। मैं वड़की वड़की छोटा छोटा बच्चे आए, मैं बस बिल्कुल तकलीफ है बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, ये ऊंट नो डाउट के खूबसूरत है और सजावट भी इनकी खूब की गई है कि जो आने वाले ग्राहक हैं वो आए और फौरन से पहले इनको पसंद करें और ले जाए, लेकिन बात वहीं आकर ठहरती है कि ग्राहक की जेब अगर इजाजत देगी फिर ही वो खरीदेगा। पिछले साल जो कीमतें थी अब उससे तकरीबन 50-60% कीमतें इन जानवरों की बढ़ चुकी हैं और ख़रीदार भी परेशान है कि घर से सोचकर जहन कुछ और बना के आते हैं लेकिन मंडी में आकर हालात कुछ और ही नज़र आते हैं। एक और ग्राहक मुझे नज़र आए हैं जी, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं, इनका भी कुछ बीपी हाई लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है मंडी? मंडी अभी तो हम आए हैं, अभी तो हमने कुछ खरीदना है, तो फिर आप दुआ करें कि हमें थोड़ा कुछ मिल जाए। क्या जहन बना के आए, कितने का ऊंट है पूछा? तो हमारी वो वसत से बाहर बता रहा है, यानी हमारी ताकत से। क्या बता दिया, क्या बता दिया जी? क्या 3,50,000? 3,50,000 चला गया, ये मीडिया पकड़ लेगा आपको। अच्छा सही है, सही लेगा आपको। ठीक है ऐसे और वाले आए। अच्छा, डराए भाई साहब, मेहमान आए हुए हमारे इतनी दूर से ना, आप उसको कम बताएं बिल, मुनासिब कीमत लगाए बेच के। सौ बता तो दिया है हमने, 1.5 बता दिया आपको, दोंदा है छोटा ऊंट है। अच्छा अच्छा, ऊंट से तो आप प्यारा है, ऊंट से ज्यादा आप प्यारा है, यकीन कर लो। आप
खुशामद कर रहे हैं कि सस्ता बेच रहे हैं। खुशामद नहीं, सस्ता मैं खुशामद, बंदा है ही प्यारा बंदे दी को ऊंट के लिहाज से ही बाबा ने लगाया है, वैसे तो अदरवाइज सही है 1.5 लाख रुपया इतना। सर हर साल ही ऊंट की कुर्बानी करते हैं, ऊंट की स्पेशल क्या खास बात है जो ऊंट चुनते हैं? मेरे नबी की सवारी है ना, मुस्तफा की सवारी है, ये सारा जहान उन्हीं के लिए बना है। पिछले साल कितने का खरीदा था? पिछले साल हमने 1.5 से कम ही मेरा हल खरीदा था थोड़ा, लेकिन अच्छा तगड़ा था, तगड़ा था। इस बार जहन क्या है, सोच के क्या है? अब यही बनाएंगे ना हमारा जहन, जहन तो ये बना देंगे। आप क्या बना के आए, जेब कितनी भर के लाए नोटों से? यार 1.5 लाख हो जाए, कितना हो जाएगा? हाँ बस ये हमारी ताकत है। ठीक है सर, मिलेगा कोई 1.5-2 का ऊँट? नहीं नहीं मिलेगा, क्यों? वो तो कम है रेट, तो कम है, कम है रेट, रेट कम है। फाइनल क्या होगा? फाइनल 2.80। 2.80? हाँ 2.80 से कम नहीं होगा, 2 से कम नहीं होगा, 2.80 से। ओ यार ये कहाँ चला गया आप? वापस घर ले जाओ, वापस घर ले जाओ। साथ तुम देखो मार के बच्चा है, जिसकी किधर बच्चा है देखो वो खड़ा कैसा। चले अल्लाह हमें भी दे देगा, आपको भी अल्लाह बरकत दे, हमें भी अल्लाह ताला। हाँ चलो अच्छा, ये नहीं 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 बिकेगा। फाइनल कितना? तो तुम करो ना फाइनल बताओ ऐसे। वो फाइनल नहीं, उतने में नहीं है यार। कौन से वाला पसंद करे वैसे यार? कौन से वाला है, कौन से वाला? ये वाला, ये व्हाइट वाला दिखाइए जी। कैमरामैन भाई ये मौला बख्श भाई, ये जरा सफेद रंग का ऊंट दिखाइए, थोड़ा आगे कीजिए इसको, आगे लाइए जी। वो भी इनकारी है कि मेरी इतनी कीमत लगा दी है। हम तो इसके लिए खेलने वाला है ये इसको तो चाहिए गर्मी। उसके नखरे बढ़ गए हैं कि मेरी इतनी कीमत लग गई है। नहीं बहुत ये चलिए जी, ये तो अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी है यार, हमने कोई दिखावा थोड़ी करना है। आप थोड़ा जरा कर दें, आखिरी बात कर दें। क्या कह रहे हैं? 2.20 का नहीं लीजिए, पहले 3 लाख था, फिर उसके बाद 2.80 हो गया, और अब बात 2 लाख पे जा पहुंची है। भाई साहब थोड़ी और कोशिश कर ले, मेरा ख्याल है कि 1.5 तक बात पहुंच जाएगी। पाँव में आ रहे। अरे ये छोटा बच्चा भी। हाँ भाई क्या हाल है? ठीक हो? मंडी क्यों फिर रहे हो? ऊंट ऊंट अच्छा लगता है? ये तो महंगा ही बहुत है, महंगा ही बहुत है। मास्क कहाँ है आपका? बिना मास्क के बच्चे जी SOPs को भुलाए मंडी में फिर रहे हैं, और इनके बड़े भी इनको साथ। ऊंट देखिए जी, नो डाउट के ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो सहराई इलाके हैं वहाँ से ये लोग यहाँ पर ऊंट लेकर आते हैं, और जब लाहौर जैसे बड़े शहर में आते हैं तो फिर इनकी भी ये कोशिश रहती है कि महंगे से महंगा जानवर बेचा जाए। जी जी, पिछले साल में 100 रुपए दर्जन मिलता है, ये भी साल में 300 रुपए दर्जन मिलता है। यार मैं क्यों कसूर है? 100 रुपए दर्जन लेके हजारों में बेच रहे हैं, क्यों मसला है? ये 300 रुपए दर्जन मिलेगा। अच्छा। ये पता नहीं है चीके, बोली से पता नहीं करता। अच्छा, मुझे बताइए आप भी डीजी खान से आए हैं? हाँ। अच्छा वहाँ कितनी महंगाई है? महंगाई पता नहीं है जी, केड़ा बंदे लगेगा। हाँ। ओ, ये सारा वहाँ ठीक है हालात? हालात बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप क्या कुर्बानी पे आप क्या जबा करेंगे? कुर्बानी हो बस, पिछले साल में हर बंदे उन लग लग 1 लाख बेचता है। कुर्बानी में मैं इधर करता है, 2 दिन बाकी है। अच्छा। मजबूर है मैं इधर, गरीब। वापस घर कब जाएंगे? वापस कब जाएंगे? बस कल इंशाल्लाह पार है। आप जानवर ही नहीं बेच रहे तो कैसे वापस जाएंगे? गाड़ी खाली हाथ बिना पैसों के? पैसों के चले जी। वो सजावट का ऊँटों के सामान बता रहे हैं जी, पिछले साल 100 रुपए का दर्जन था और अब ये 400 का दर्जन, 300 का दर्जन इनको हार मिल रहे हैं। नाज़रीन ईदे कुर्बा में वक्त तो बहुत कम बाकी रह गया है, और ऐसे में खरीदारों की जानिब से मवेशी मंडियों का रुख कर लिया गया है। मवेशी मंडियों में रश भी बढ़ गया है, रौनकें भी अरूज पर हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। व्यापारी हैं वो भी महंगाई की परेशानी सुना रहे हैं, ख़रीदार हैं वो भी महंगाई की परेशानी सुना रहे हैं। तो ऐसे में ईद कुर्बा फिर भी सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए शहरियों ने मनानी भी है और कुर्बानी का जानवर भी ख़रीदना है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। Thank you.